देवरा में जूनियर एनटीआर का क्या रोल रहेंगे, क्या मसीहा के रूप में दिखेंगे या वो खलनायक के किरदार में दिखेंगे। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल बहुत बहुत स्वागत है और आज मैं हरी नाम बात करेंगे कि देवरा जो जूनियर एनटीआर की फिल्म का टीजर तो रिलीज हो गया, मगर इस फिल्म में पहला डेब्यू जो है जानवी कपूर का होगा साउथ मूवी और साउथ इंडस्ट्री में। वही तो हम आपको बताएं कि फिल्म के अंदर जो किस किरदार में दिखेंगे जूनियर एनटीआर, साउथ का वो सुपर डुपर स्टार जो अपने साउथ के फिल्म और साउथ की दुनिया में एक बहुत बड़ा माना जाना नाम जूनियर एनटीआर है। जो इनका फिल्म देवरा बॉक्स ऑफिस पर हम आपको बता दें तो यह फिल्म बहुत जल्द आपको देखने को मिल जाएगा। देवरा जो 10 गांव के लोग रहते समुद्र के किनारे, उसका रक्षक बनेगा जूनियर एनटीआर। और जूनियर एनटीआर 10 गांव के रक्षक ऐसे नहीं बनेंगे, बताया गया है कि इस फिल्म के अंदर कहानी वो बताई गई है कि 10 गांव के रक्षक बनने के साथ साथ उस गांव को लूटने के लिए 10,000 नकाब पोस्ट लुटेरे आते हैं और उसके बाद जूनियर एनटीआर जो है उनको साथ मुकाबला करना पड़ता है और अकेले ही जूनियर एनटीआर 10,000 लुटेरे को, बंदूक से लैस लुटेरे को मारता है। और फिल्म के अंदर जिस तरीके से टीजर में दिखाई गई कि समुद्र के जो पानी एकदम लाल दिखता है, वो बताया गया है कि 10,000 नकाब पोस्ट जो लुटेरे थे उनको नरसंहार करने के बाद जो है पानी लाल हो गया समुद्र का। वहीं पर हम आपको बता दें कि यह फिल्म जो है 250 करोड़ के आसपास बजट वाली फिल्म देवरा, फिल्म के अंदर रिलीज से पहले और टीजर के बाद ही फिल्म ने कमाई कर लिया है पूरा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हिंदी वर्जन में डेब्यू करने के बाद करण जौहर के डिस्ट्रीब्यूटर में बता दूं तो ये फिल्म जो 50 करोड़ में बिका है और करण जौहर ने इस फिल्म को खरीदकर फिल्म की हिंदी राइटर्स में बनाया है। वहीं पर हम आपको बता दें तो यह फिल्म कुरताल सिंह की डायरेक्टर्स में बनी देवड़ा जो है तेलुगु की अगर बात करें तो तेलुगु राइटर्स में 120 करोड़ में बिका है। वहीं पर मलयालम कनाडा की अगर राइटर्स की बात करें तो 50 करोड़ में यह फिल्म बिकी है। वहीं पर ऑल ओवरसीज मार्केट की अगर बात करें तो फिल्म 27.30 लाख रुपए में जो है फिल्म की बिक्री किया गया है। वहीं पर टोटल हम आपको बता दें तो फिल्म की अभी तक रिलीज डेट फाइनल हुआ है और फिल्म जो है 250 करोड़ के आसपास जो है कमाई कर लिया है। इस फिल्म की कमाई 250 करोड़ हो चुकी है, जबकि 250 करोड़ के आसपास फिल्म की बजट बताया गया है। वहीं पर इस फिल्म की रिलीज डेट बताई गई है, अगर मेकर्स की बात करें तो यह फिल्म जो है 10 अक्टूबर की जो है सिनेमा घरों में आपको देवरा देखने को मिल जाएगा जूनियर एनटीआर का। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।